टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स अंडर 12,000 रुपीज। सो ये दोस्तों, क्या आप भी आज के समय पर अपने लिए एक परफेक्ट और तगड़ा 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ना केवल आपको अच्छे कैमराज देंगे बल्कि तगड़ी लेवल की परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, अच्छा खासा बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर अच्छे खासे 5G बैंड्स भी मिलेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। इस लिस्ट को और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर यूजर्स की, जिन्हें भाई वीवो पे ट्रस्ट है और जो वीवो की तरफ से एक अच्छा सा 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं वीवो का T2X। फोन भी लुक के मामले में काफ़ी कमाल का है। ये फोन भी पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, पर बिल्ड और डिजाइन के मामले में आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आती। वैसे ये फोन भी 8.1 मिलीमीटर की थिकनेस और 184 ग्राम्स के साथ में आता है, सो लाइट वेट और स्लिम भी है। चलिए बात करते हैं अब डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले। साथ ही साथ पैंडा ग्लास का आपको यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है। 650 निट्स की ब्राइटनेस है। इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है और साथ ही आपको यहाँ पर 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी सेंसर मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको काफ़ी डिफरेंट मोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। वैसे अच्छी बात है कि डे लाइट में और लो लाइट दोनों में ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर लेता है। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर मिलता है लेटेस्ट 7nm बेस्ड MediaTek का Dimensity 6020 का चिपसेट, जहाँ पर आपको आम वाली G57 MC2 का GPU दिया गया है और ये स्मार्टफोन ON2 पर लगभग 3 से 3.25 लाख के आसपास स्कोर करता है। इसका मतलब आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। वैसे आप यहाँ पर काफ़ी अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है, सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे अगर पावर की बात करें तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी और 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट आपको मिल जाती है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन और ये स्मार्टफोन भी लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर आता है, तो ये अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की गाइस, तो अगर पॉसिबली दोनों 5G बैंड का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है तो ये अच्छी बात है। और बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 12,999 रुपये। लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से वीवो की तरफ से आने वाला वन ऑफ द बेस्ट फोन है, तो आप चाहें तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते आगे और बात करते हैं अगले फोन की, रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी का 12 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर मिल जाता है। हालांकि फ्रेम आपको प्लास्टिक की मिलेगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पर IP53 की रेटिंग भी दी गई है, यानी कि वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है। और इन सभी के अलावा फोन सिर्फ 199 ग्राम्स का है, सो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर सुपर मिलती है। वहीं पर अगर हम बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको मिलती है 6.79 इंचेस की एक बड़ी सी फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। 550 निट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिल जाती है। 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज़ की टच सैंपलिंग रेट भी दी गई है। साथ ही आपको यहाँ पर वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। सो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो सेल्फी के लिए आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है। और रही बात इमेज आउटपुट की, तो डे लाइट में फोटोज वगैरह भी यहाँ पर अच्छी आती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। सो देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के मेन हाइलाइटेड फीचर की। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4th Generation 2 का चिपसेट देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि 4 नैनोमीटर पर बना हुआ है, तो हीटिंग भी काफ़ी कम मिलती है। साथ ही ये बैटरी भी काफ़ी कम कंज्यूम करता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन ON2 पर लगभग 4,40,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। सो इजीली आप यहाँ पर 40 FPS तक की गेमिंग कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर COD वगैरह खेलते हैं और वो भी हाई सेटिंग पर। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की।
तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है जो कि 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर 22.5 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है, साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल भी यहाँ पर अच्छा है। फाइनली अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, लेकिन ऑडियो क्वालिटी अच्छी है। और तो और आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यानी आप यहाँ पर एक साथ में एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर ही लॉन्च किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको MIUI 14 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। और वहीं पर अगर हम 5G बैंड्स की बात करें गाइस, तो ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। और प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा पैकेज है रेडमी की तरफ से, और अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। सो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड है तो आप इस फोन को देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए नॉर्मली स्मार्टफोन की प्राइसिंग है लगभग 15,000 रुपये। लेकिन दोस्तों 4 अगस्त को इसकी पहली सेल है और यहाँ पर आपको कुछ बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10,999 रुपये की कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा पैकेज है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों बात करें इसके आखिरी फ़ोन की, तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग का गैलेक्सी F14 5G। बात करें इस फ़ोन की, तो ये फ़ोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है, पर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों ही फ़ोन के यहाँ पर बहुत अच्छे दिए गए। डिस्प्ले की बात करें तो फ़ोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली PLS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, अप टू 500 निट्स तक की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट देखने को मिलेगी। बात करते हैं आप यहाँ पर कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो शूटर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर डिसेंट है। आउटपुट की बात करें भाई, तो डे लाइट में आपको यहाँ पर फोटोज में कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको 5nm बेस एक्सिनोस का 1330 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो चिपसेट है ये कॉम्पिटिटर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का, जो कि आपको यहाँ पर ओवरऑल CPU परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। हालांकि गेमिंग आपको यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं करा सकता, लेकिन आपको डेली जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी निकाल कर देता है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और EMMC 5.1 वाला स्टोरेज आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो इस फोन के बैक साइड में 6000 mAh का बड़ा सा बैटरा आपको मिलता है, और साथ ही साथ ये फोन 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही साथ चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। तो ओवरऑल बैटरी तो अच्छी है, लेकिन चार्जर बॉक्स के अंदर होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें, तो यहाँ पर मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ट्रिपल गार्ड का ऑप्शन, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स। और तो और ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर, लेकिन यहाँ पर आपको कोर एडिशन देखने को मिलता है। पर ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ गाइस, ये जो फोन है ये आपको लगभग सभी 5G बैंड के सपोर्ट के साथ में मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो यहाँ पर 4 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ते हैं लगभग 14,500 रुपये, पर अभी ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है 13,000 रुपये की प्राइस पर। तो इस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन डेफिनेटली काफ़ी अच्छा ऑप्शन है सैमसंग की तरफ से। सो आप चाहें तो इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और अगला स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट के अंदर आने वाला एक काफ़ी कमाल का पैकेज है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लावा की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च लावा स्टोम 5G की। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर ग्लास बिल्ड के साथ में मिलता है। जी हाँ, फ्रंट और बैक साइड में आपको यहाँ पर ग्लास का सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ ये स्मार्टफोन 9mm की थिकनेस और 218 ग्राम वेट के साथ में आता है। सो देखा जाए तो फोन थोड़ा सा बल्की है, बट गाइस यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.78 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, 580 निट्स की ब्राइटनेस। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और अच्छी बात है कि ये फोन वाइडवाइन L1 के सपोर्ट के साथ में आता है, तो आप यहाँ पर HD कंटेंट वगैरह भी स्ट्रीम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, स्मार्टफोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। सो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे भाई, तो अगर आप 5G स्मार्टफोन से कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो इस फोन के बैक में आपको दो कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, और 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, और बाकी के सारे यूजलेस सेंसर यहाँ पर आपको नहीं दिए गए। फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर जो कि पंच होल के साथ में आता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सो ओवरऑल उस फोन का कैमरा सेटअप तो अच्छा है, लेकिन अगर हम इमेज क्वालिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर इमेज क्वालिटी थोड़ी सी डिसेंट टाइप की मिलती है, जिसे आप अबो एवरेज कह सकते हैं।
वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर 2K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS, तो ये काफी अच्छी बात है। सो कैमरा के मामले में ये स्मार्टफोन आपको अबो एवरेज देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6080 का चिपसेट, और यहाँ पर आपको आम माली G57 MC2 का 2 कोर का GPU देखने को मिल जाता है। और गाइज ये चिपसेट काफी अच्छा है क्योंकि ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 4.4 लाख के आसपास स्कोर भी करता है। सो देखा जाए तो आप यहाँ पर मीडियम से लेकर के हाई लेवल तक की सेटिंग पर गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। और इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज दिया गया है। सो प्राइस पॉइंट को कंसिडर करते हुए आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, और यहाँ पर अगर हम यूजर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप बहुत आराम से निकाल कर देगी। साथ ही साथ ये फोन 33W चार्जिंग को सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको दी गई है। सो बैटरी मॉड्यूल फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर है जिसकी ऑडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट देखने को मिलेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बस दोस्तों यहाँ पर एक ही दिक्कत है कि यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर लॉन्च किया गया है, जबकि एंड्रॉइड 14 काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल रहा है, और आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही मेजर अपडेट मिलेगा, यानी कि एंड्रॉइड 14 का अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और 2 साल के आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। सो देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर आने वाला काफी अच्छा पैकेज है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 13,499 रुपए, बट गाइस इस समय स्मार्टफोन पर काफी सारे ऑफर्स भी आपको मिल रहे हैं, तो उन्हें अप्लाई करके इफेक्टिवली ये फोन आप परचेस कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए की कीमत पर। तो देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली एक काफी अच्छा पैकेज है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। दोस्तों लिस्ट का जो अगला फोन है ये यहाँ पर रियलमी का नार्जो 60X 5G। बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, पर बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर बहुत अच्छे दिए गए हैं। बैक साइड में आपको यहाँ पर ग्लिटरी डिज़ाइन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही साथ दोस्तों ये फोन 7.9mm की थिकनेस और 190g के साथ में आता है, यानी काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी स्लिम भी है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.72 इंचेस की एक बड़ी सी फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल। साथ ही आपको यहाँ पर 680 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, 120 hertz तक की हायर रिफ्रेश रेट और 180 hertz की टच सैम्पलिंग रेट भी दी गई है। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिल जाएंगे। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको f2.4 का एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर डे लाइट में फोटोज़ भी काफ़ी कमाल की मिलती हैं। वैसे फ़ोन का नाइट मोड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। वीडियो की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, सो कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल जाता है, 6nm बेस MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट। अच्छी बात यह है दोस्तों कि यह प्रोसेसर रियल टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी निकाल कर देता है। वैसे गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर आम माली G57 MC2 का 2 कोर का GPU मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर हाई सेटिंग पर काफ़ी अच्छी गेमिंग कराने में भी कैपेबल है। साथ ही साथ फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.1 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो ओवरऑल दोस्तों प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलती है। फोन 33W चार्जिंग को सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको दी गई है। वैसे अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो आपको यहाँ पर इजीली एक दिन का बैकअप भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए अब कुछ एडवांस फीचर्स की बात कर लें, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, लेकिन ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी और लाउड है। वैसे कार्ड स्लॉट की बात करें तो आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ दोस्तों ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको मिलता है रियलमी का UI 4.0। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल ब्लॉटवेयर्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आप उन्हें निकाल तो सकते हैं, लेकिन पहले से आते हैं तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो अगर आप रियलमी की तरफ से कम प्राइस पर एक अच्छा 5G स्मार्टफोन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप डेफिनेटली इस फोन की तरफ देख सकते हैं।
बात कर ले प्राइसिंग की तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए नॉर्मली आपको पे करने पड़ेंगे 12,999 रुपए। पर दोस्तों इस समय आपको यहाँ पर 1500 रुपए तक का Amazon डिस्काउंट कूपन मिल रहा है, जिसे अप्लाई करके ये फोन इफेक्टिवली आप परचेस कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ 11,500 रुपए की कीमत पर। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे दोस्तों तो काफी अच्छा ऑप्शन है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। वैसे आपको बता दूं दोस्तों कि अभी रिसेंटली Realme का C67 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, जो कि बिल्कुल भी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है, आपको थोड़े से भी यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। सो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उस फोन की तरफ भी देख सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है।